नमस्कार, हेलो आदाब एंड वेलकम टू इंडो गेम्स यूट्यूब चैनल। और भाई फाइनली आप कह सकते हो कि भाई डॉन ट्रीटमेंट क्रिकेट खेलने का हमें अवसर मिल रहा है। भाई मैं ऑलमोस्ट लाइव स्ट्रीम नहीं करने वाला था और डिपेंडिंग ऑन आज की वीडियो पे क्या रिस्पांस मिलता है उस हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि अब करना है कि नहीं स्ट्रीम, नहीं तो कुछ दिनों तक शायद ब्रेक लेना पड़े। डिपेंड करता है, जैसा मैंने बताया कि इस वीडियो पे क्या रिस्पांस आता है उसके हिसाब से, क्योंकि आई थिंक मैं अगर रोज़ वीडियो बना रहा हूँ रिस्पांस अगर नहीं मिल रहा है तो आई थिंक लाइव स्ट्रीम करने का सही टाइम ये नहीं है, या तो लाइव स्ट्रीम करने का ही टाइम नहीं है अभी इस वक्त पूरे दिन में कभी भी। तो ये डिसाइड करने के लिए आज मैं डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट का माई करियर मोड का एपिसोड नंबर 2 लेकर आया हूँ। लास्ट टाइम हमने ये कैरेक्टर बनाया था, मैंने उसी कैरेक्टर के बाद कभी खेला नहीं, तो आज मैं खेलने वाला हूँ। मुझे इतना मालूम है कि इस गेम में आपको अपना दोनों जॉयस्टिक यूज करना पड़ता है, जो अपने आप में बहुत यूनिक गेम प्ले है। अभी आप देखोगे तो आप मालूम पड़ेगा, मेरे सामने तो गेम का स्क्रीन आ गया और आप लोगों के कमेंट यहाँ पर स्क्रीन के राइट स्क्रीन पे आने लगे। शॉर्ट आउट ले लेते हैं फटाफट। ऋत्विक फिनोमिनल वन, शिवराज ढोकले, पम्मी अरोरा, आरुषा गेमिंग, शिवराज ढोकलिया ढोकले गेमिंग वाईटी, आदित्य मिश्रा, जासूस स्क्वाड, जस्ट डू इट, केमर राज, केमर गेमिंग लाइफ, लखनऊ यूपी, शिवराज, सलीहिन, हितेश, सोहरदिया, जस्ट डू इट, केमर लाइट और आस्क प्रभु राज यहाँ पर। हैरिस यहाँ पे आ चुके हैं और जगजीत आ चुके हैं, ETX PK करके यहाँ पर आ चुके हैं, अनिशा शाह, जानवी खपेकर, यूसफ तारिक, सोहरदिया गेमिंग, गेमिंग विद यंगस्टर्स, श्लोक, मनीष कुमार, जगजीत, स्नेहा, आदित्य, हैरिस, बिकलू, सलमान, श्लोक और ठीक है सुबजॉइड यहाँ पे आ गया। मैं थैंक यू हमारे मेंबर सुबजॉइड का जुड़ने के लिए। थंबनेल अच्छा लगा है भाई, थंबनेल मैंने 2 मिनट में बनाया है, ऐसे ही बना दिया क्योंकि मैं आज लाइव स्ट्रीम करना ही नहीं वाला था जैसा मैंने पहले बताया आपको, बट मैंने सोचा चलो एक दिन और ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या रिस्पांस आ रहा है, अगर अच्छा आता है तो करेंगे, नहीं तो फिर स्ट्रीम को टाटा बाय बाय, सिर्फ गेम प्ले वीडियोज़ आएंगे। और अगर सेकेंड चैनल पर अगर जो 20-25 लोग जो भी देखते हैं उनके लिए अगर सेकेंड चैनल पर लाइव होता है तो ठीक है, नहीं तो लाइव स्ट्रीम नहीं होने वाले हैं। लेट्स सी, अभी तो हाल फिलहाल हमारी गेम पे चलते हैं, गेम की स्क्रीन की तरफ जहाँ पे मैं इंतजार कर रहा हूँ, हमारा गेम प्ले इंतजार कर रहा है। अरे यार मैंने इतनी कोशिश की पीछे का बैकग्राउंड हटाने की, हट ही नहीं रहा भाई, पता नहीं क्या करूँ मैं ऐसा कि पीछे का बैकग्राउंड हट जाए, गजब है भाई। अभी मान लो मैं अगर ये थोड़ा सा करता हूँ तो इसमें ब्लैक एंड वाइट हो जाता है और मान लो अगर स्मूथनेस हटाता हूँ, स्मूथनेस बढ़ाता हूँ तो ये देखो ये भाई साहब का अलग ही है, मुझे ब्लैक कर देता है, फिर सिमिलरिटी आती, ये थोड़ा बहुत काम करता है, फिर भी थोड़ा सा नॉइस रह जाता है पीछे की तरफ, तो ठीक है अभी यही सबसे ज़्यादा बेस्ट है तो क्या कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने को कह रहे हैं, ब्राइटनेस ठीक है, ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी। गामा कुछ होता है, गामा से क्या होता है, गामा से ब्लैक हो जा रहा है फोटो, ठीक है गामा 0 ही रहने दो भाई, हाँ 0 ही बेस्ट है यहाँ पर, ठीक है भाई। यहाँ पर हाल फिलहाल हमारा ऐसा रिजल्ट आया है, ग्रीन स्क्रीन में कुछ दिक्कत है भाई, पता नहीं यार, एक तो बैकग्राउंड मेरा अभी घर पे इतना है नहीं अच्छा, बैकग्राउंड क्या मतलब कुछ है ही नहीं कि मैं दिखा सकूं दीवार। और हाँ भाई इस गेम को आप सिर्फ और सिर्फ जॉयस्टिक पे खेल सकते हो, मेरी जो भी टीम्स है ना अभी आप देखोगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, अभी तो मैं भी देखने वाला हूँ किस तरह से खेलना है। वर्ल्ड 11 में और लेस्टर शायर के बीच में मैच है, तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो मेरा नाम नंबर 3 पे है, 1 डाउन बैट्समैन हूँ मैं, और हाँ हमारी बैटिंग मोस्टली मैचेस में आ जाती है, बट हाँ गेम थोड़ा सा टफ है, इतना आसान नहीं है जितना आसान लगता है। मैं मानता हूँ क्रिकेट 22, क्रिकेट 19, क्रिकेट 17 सबसे ज्यादा टफ इसका गेम प्ले। टॉस जीत गए हम लोग, ग्राफिक्स वाइज के बहुत अच्छे हैं इस गेम के, जो ग्राफिक्स है ना वो बहुत अच्छे हैं भाई। माइक खराब हो गया, माइक खराब तो नहीं हुआ है भाई, पता नहीं माइक में भी क्या दिक्कत है, थोड़ा सा मुझे लगता है माइक के भी कारण दिक्कतें बढ़ी हैं यहाँ पे। ये हम लोग हैं, मेरे को सिमुलेट करना था बट रह गया यहाँ पे, अरे मेरे को लगा पहली गेंद पे कैच आया क्या ठीक है भाई हम सिमुलेट करेंगे, हमारी बैटिंग की तरफ जाएंगे देखते हैं।
आदित्य कह रहे हैं फेस हटाओ। भाई फेस नहीं हटेगा, आपको हटना हो तो हट सकते हो, फेस नहीं हटेगा क्योंकि बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं फेस हटाओ। आप ये सजेस्ट कर दो मैं कहां फेस रखूं, बाकी ये मत कमेंट करो कि फेस हटा दो, क्योंकि मुझे मालूम है आप टाइम पास के लिए कमेंट कर रहे हो, और आपको अगर हटना है तो हट सकते हो भाई, बट फेस नहीं हटने वाला। ठीक है भाई, फील्डिंग सेटअप मैंने देखी नहीं है तो थोड़ी ये मेरी मिस्टेक रही है। पहली गेंद पर गोल्डन डक मिला है भाई हमको। एबीडी विलियर्स आए हैं, बट हाँ ऑब्वियस सी बात है हम इनकी बैटिंग नहीं देखने वाले हैं, हम लोग सिमुलेट करेंगे, बट जिस खराब सिचुएशन में हम लोग खेल रहे हैं ना भाई, मेरी टीम बहुत जबरदस्त है, धोनी, पोलार्ड, अफरीदी, वार्नर, गेल, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बट इसके बावजूद भी कोई बहुत बड़ा परफॉर्मेंस हम लोग नहीं दे पाए हैं। बॉलिंग में भी आप देख सकते हो स्टेन, मलिंगा जैसे दो जबरदस्त प्लेयर्स हैं। सब्जेक्ट क्या है, बिगिन स्टूडियोज का। ठीक है भाई, हमारी सेकंड टाइम बैटिंग आई है, उम्मीद करता हूँ कि इस मैच में मैं कुछ अच्छा करूं, नहीं तो बहुत बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। देखो भाई मेन दिक्कत क्या है पता है, अब ले लो पहली गेंद पे आउट हो गए क्रिस गेल। अरे यार ठीक है, कॉल कैसे करते हैं मुझे अभी नहीं पता, मैंने पहले ही बोला भाई कि ये गेम मैंने लास्ट टाइम तब खेला था जब आप लोगों के साथ मैंने डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट 14 का पहला गेम प्ले किया था। गेंदबाजी में जोन्स आए हैं जो मस्त एकदम लाल कलर का चश्मा पहन के। ड्राइव तो अच्छी है, गैप भी बना है, दो के लिए दौड़ रहा है, मैं तो खतरे की तरफ हूं नहीं, बट मुझे भरोसा है कि वार्नर की रनिंग अच्छी है। ठीक है भाई, जो लोग टेस्ट मैच देखना चाहते थे ये गेम थोड़ा बहुत टेस्ट मैच टाइप ही होने वाला है। फील्डिंग सेटअप आपको देखनी पड़ती है खुद की आंखों से लेफ्ट राइट देख के, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखो बैकवर्ड पॉइंट और एक दो तीन पांच स्लिप तक फील्डिंग सेटअप है। लेग स्टंप पे कितना डीप है, लेग स्टंप में स्क्वायर लेग डीप है। ठीक है देखते हैं, क्रॉस खेल पाए तो अच्छी बात है, बाकी तो नाइस शॉट भाई। यहाँ पे एनविजेट कह रहे हैं उनकी कमेंट दिख रही है, हाँ भाई आपकी कमेंट दिख रही है, अच्छे से दिख रही है यहाँ पर। करियर मोड में स्टोरी ही नहीं है भाई, क्रिकेट में स्टोरी नहीं भाई, इसमें कोई स्टोरी नहीं है भाई इसमें, सॉरी भी तो फिर भी अच्छा है कि क्रिकेट कैप्टन इसके अंदर, क्रिकेट कैप्टन में तो और बुरे हाल है। मैंने अभी 2023 वाला खरीदा था, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि प्लीज मत खरीदना। अगर आपने क्रिकेट 20 भी खरीदा हुआ है ना, सिर्फ 23 खरीदने का एक ही मकसद हो सकता है आपका कि मुझे नए प्लेयर्स चाहिए, बस नए भी वो भी थोड़े बहुत एकदम भाई, मतलब शॉट। जासूस कह रहे नहीं भाई सबकी कमेंट दिखती है मुझे, डिपेंड करता है कमेंट क्या है। अब मैं सारे कमेंट पढ़ने बैठूंगा तो आप लोग खुद ही 2 मिनट बाद बोलोगे भाई सारे कमेंट मत पढ़ो गेम प्ले करो। थोड़ा लेट करके खेल रहा हूं मैं क्योंकि मुझे परफेक्ट टाइमिंग चाहिए, वनडे T20 तो है नहीं मेरे पास कि भाई मुझे मेरे पे फोर्स होगा कि भाई तू तेज खेल, तो इस चीज का मुझे टेंशन नहीं है। ICC वर्ल्ड कप का मैंने शेड्यूल देख लिया भाई, मुझे तो 15 तारीख वाले मैच का इंतजार है, 15 ही है ना। बार बार सब बोलेंगे भाई काहे ड्राइव मार रहे हो, भाई मुझे इसको बीट कराना है ड्राइव में। मुझे इसको बीट कराना है ड्राइव में। DBC 17 बहुत अच्छा है भाई, आप गेम गिफ्ट कर सकते हो, चलो गेम गिफ्ट ना करो कोई नहीं, उसका 50% भी अगर आप, ये गैप होगा, ये गैप होगा, ये फोर भी होगा। आउटफील्ड रोक दिया तो पता नहीं, ऐसा तो लग नहीं रहा है, अरे रोक लिया गया है, 3 रन निकाल रहे हैं, क्विक सिंगल स्ट्राइक अपने पास यहाँ पे, ओवरथ्रो, लेकिन नहीं ये RC22 जैसा नहीं है कि आपकी मिस फील्डिंग हो रही है तो पीछे से आपको बंदा बचा लेगा। टारगेट क्या है यहाँ पर, टारगेट कुछ नहीं है भाई, करियर मोड है, अरे हाँ टारगेट होगा, हाँ टारगेट होगा, एक सेकेंड भाई, 90 runs to win, okay, we need 90 runs to win, अच्छा वो आपने बोला भाई कि टारगेट देख लो, नहीं तो मैं तो अभी बिना टारगेट ही खेल रहा था, मुझे ऐसा लगा हमारी थर्ड इनिंग है तो मैं तो जितना चाहूँ उतना रन बनाता, बट नहीं 90 रन का चेज आया है हमको, जो कि देखते हैं किस तरह का रहता है गेम प्ले में। मोस्टली मैं फ्रंट फुट ही खेल रहा हूँ, क्रॉस खेला इस बार, रन नहीं है। दिन तो मेरे को लगता है बहुत होगा, मेरे को लगता है 4 दिन 3 दिन 4 दिन होगा यहाँ पे। टॉम को कह रहे हैं वॉइस कम करो, भाई किसका वॉइस कम करूं यार, 2 वॉइसेस हैं यहाँ पर, एक्चुअली 3 है बट तीसरा बहुत कम है तो तीसरे का मतलब नहीं बोलने का। बढ़िया बढ़िया बैक फुट कट करते हुए 2 रन की लालच से अपने आप को नहीं रोक पाए हैं, बट संभाल के नेक्स्ट टाइम शायद खतरे का मामला हो सकता है। हैप्पी ने यहाँ पे सब्सक्राइब किया है भाई, थैंक यू।
भाई मेरे को एक बार फील्डिंग देखनी है, स्क्वायर लेग पे क्या फील्डिंग है। और हाँ लॉफ्टेड भी मारूंगा बट पहले मुझे, मैं लॉफ्टेड भी मारूंगा बट पहले मुझे ये शॉट तो लेना सीख लें दो। मेरे ये शॉट के ठिकाने नहीं है, मतलब ग्राउंड शॉट्स के ठिकाने नहीं है, मुझे टाइमिंग नहीं पता। तो बहुत जल्दी हो जाएगा अगर मैं लॉफ्टेड जाने लगता हूँ खेलने तो। अनऑर्थोडॉक्स शॉट भी है इस गेम में, वो सारे शॉट्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। तीसरा वॉइस कौन है भाई? एनवायरमेंट वॉइस। मेरे पीछे की तरफ जो नॉइस है ना, पंखे का नॉइस। एक रन है। कॉल है वार्नर भाई। हाँ पंखे का वॉइस, रूम का वॉइस, बाहर से आती आवाज का वॉइस, कीबोर्ड का वॉइस, मेरे जॉयस्टिक का वॉइस, ये सारे वॉइसेस भी हैं। वो तीसरे वॉइस है, एक मेरा वॉइस, एक गेम का वॉइस, और तीसरा जो एक्स्ट्रा वॉइस आ रहा है वो। कमेंट आ रहा है हेलमेट ओपी है भाई, यही तो खासियत है। यही तो खासियत है, यही तो अलग था। डेवलपर्स ने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डॉन ब्रैडमैन में अच्छी थी बट भाई साहब ने निकाल दी यहाँ पे। अरे यार मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा मुझे बाउंसर गेंदे देगा, थोड़ा लेग स्टंप पे देगा, ये लगातार मुझे क्रॉस कर रहा है इसलिए मैं मार नहीं पा रहा यहाँ पे। अक्टूबर तक वेट नहीं हो रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई मेरे को पर्सनली। शॉट रन है कि नहीं? हाँ ड्राइव शॉट भाई, मैं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा क्रिकेट 24 कब आ रहा है, क्योंकि मुझे मालूम इंतजार करना ही है। मेरे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसी छड़ी नहीं है कि मैं ऐसे घुमाऊंगा और मेरे को अक्टूबर तक, अक्टूबर महीना आ जाएगा। तो इंतजार करने का कोई मतलब नहीं किसी भी गेम का। लॉफ्टेड का मूड था, लॉफ्टेड का मूड था भाई। मैं कंट्रोल चेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा बेसबॉल स्टाइल क्रिकेट दिखाने की इच्छा है। तो कंट्रोल लेआउट कुछ ऐसा है इसका, बैटिंग का, बॉलिंग का, बैटिंग का दिखाओ। बैटिंग ये रहा। आप पहले तो फील्डिंग देख सकते हो, फ्रंट फुट अपना सेट कर सकते हो, विकेट कीपर और बैट्समैन को ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, और देख सकते हो अपने चाहत। अग्रेसिव शॉट इस बटन से, अनऑर्थोडॉक्स इस बटन से, डिफेंसिव शॉट इधर से, एडवांस इससे है, ठीक है। लॉफ्टेड, अनऑर्थोडॉक्स, थोड़ा अलग कंट्रोल है क्रिकेट 22 क्रिकेट 19 से, इसलिए मुझे ध्यान रखना होगा। डिफेंसिव इधर है और अग्रेसिव ग्राउंड शॉट इधर है, एडवांस इधर। रिफ्यूज रन यहाँ पे है, लीव बॉल यहाँ पे है, एलबी प्लस एलटी, लॉफ्टेड अनऑर्थोडॉक्स शॉट, एलबी प्लस एलटी लॉफ्टेड अनऑर्थोडॉक्स, ठीक है। और एडवांस ग्राउंड शॉट्स, आरबी एलटी और, अरे बाप रे आरबी एलटी, क्या क्या बता रहा है गेम। मूव शॉट टाइप्स, डायरेक्शन डाउन प्लस आरबी एडवांस शॉट ब्लॉक, ये क्या क्या बताया है भाई ये। राइट जॉयस्टिक से क्या है, मूव शॉट टाइप्स, डायरेक्शन डाउन प्लस आरबी, अच्छा आप एडवांस ब्लॉक कैसे कर सकते हो, ठीक है। फील्डिंग चेक करनी पड़ेगी एक बार थोड़ा संभाल के, फिर ग्राउंड शॉट वेट करूंगा मैं। रश नहीं करवा रहा भाई, रश नहीं करा। लॉफ्टेड मुझे स्क्वायर लेग मारने की इच्छा लग रही है कि मैं स्क्वायर लेग घुमा दूं शॉट। एक बार फील्डिंग देखनी पड़ेगी, स्क्वायर लेग कितना पीछे है। देखो लग तो रहा है भाई स्क्वायर खाली है, तो चलो मेरा पहला लॉफ्टेड शॉट नहीं, उतना अच्छा नहीं हो पाया, बहुत ऑफ स्टंप दे दें। मेरा प्लान था लेग स्टंप हिट करने का, मिस कर दिया मैंने। फीफा का स्ट्रीम कब भाई? प्लीज स्ट्रीम पे कोई सपोर्ट नहीं है अभी, स्ट्रीम कब आएगा किसी को कुछ पता नहीं। बार बार एक ही कमेंट मत करो यार, होगा तो मैं बता दूंगा भाई आपको, चिंता मत करो। क्योंकि मेरे खेलने में दिक्कत नहीं है, आपके देखने का दिक्कत है भाई मेरे को। वो स्क्वायर लेग शॉट लॉफ्टेड, टाइमिंग बहुत गड़बड़ था, 30 आउट होता, फील्डिंग चेंज हुई है। लास्ट टाइम फाइन लेग की तरफ था, इस बार मिड विकेट की तरफ फील्डर था, तो देख के भाई हर ओवर पे फील्डिंग चेंज होता है, वो लिखा नहीं आता आपको बट दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। स्क्वायर लेग अभी खाली है, नहीं फाइन लेग हाफ पे खड़ा रखा है, गजब फील्डिंग है। गजब फील्डिंग है भाई, स्टांस बदला, ये बीट कैसे कराऊं इसको, बॉलर को कैसे बीट कराऊं समझ नहीं आ रहा भाई। यहाँ पे मुझे इसको बीट कराना है भाई, ये जो सामने वाला फील्डर है ना गेंदबाज, उसके ऊपर से मारना है भाई यहाँ पे शॉट। लेकिन फिर भैया की गैप उतना अच्छा नहीं मिल रहा यहाँ पे, अनऑर्थोडॉक्स शॉट मुझे देखने पड़ेंगे भाई इस गेम में किस तरह से लगते हैं। 5 ओवर के बाद कहने को तो कह सकते हो कि मैंने एक भी चौका नहीं मारा अभी तक, एक भी लॉफ्टेड नहीं मारा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने 5 ओवर में 32 गेंदों में 24 मार दिए, तो रनों की गति तो भाई बहुत मस्त है। शॉट शॉट, मिस, फील्डिंग नहीं, दीवार लगा दी ऑफ स्टंप पे, ऊपर से मारना पड़ेगा अगर 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 आपको लॉफ्टेड चाहिए तो। सूरज कह रहे हैं भाई पेटीएम नंबर है सूरज, अगर आपको लगता है फार्मर सिमुलेटर खेलनी चाहिए मुझे, आप सपोर्ट कर सकते हो।
बाकी सजेशन का कोई मतलब नहीं भाई, मुझे भी मालूम है कि आप ओ कट और ये चार नहीं रोक पाओगे आप। फाइनली मेरा पहला बाउंड्री, वो भी थोड़ा रिस्की हो गया था क्योंकि स्टंप्स के करीब थी गेंद और नीचे भी रह रही है, पिच पे कोई बाउंस नहीं है, चाहे रेड जोन में डालो चाहे येलो जोन में डालो गेंद तो तगड़ा डाउन रह रहा है बुरी तरह से यहाँ पे, अच्छा खासा गिर के निकल रहा है आगे से। ठीक है सेम फील्डिंग सेटअप ही लगभग मुझे लग रहा है, बाउंसर आ रही है नहीं, यॉर्कर रख दी और गेंदबाज बीट हो नहीं रहा है, जाते जाते भाई क्या करो, एक लॉफ्टेड मारो कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये मेरे ख्याल से मेरा हाईएस्ट हो गया ये रन, मैंने ये जितनी गेंदें खेली है ना शायद, वो शॉट बीट फिर गेंद फील्डर और इस बार ड्राइव लगाया है पॉइंट पर से, दो चौके, लास्ट टाइम थोड़ा गली था, इस बार फाइनली हमने बाउंड्री से चौके लगाए यहाँ पे, क्राउड चेयर अप कर रहा है यहाँ पे, अराफात कह रहे हैं यस भाई ये मेरे 4GB लैपटॉप में भी अच्छे से चलता है भाई, बिग थम्स अप डेल्टा 7 का कमेंट है कि 4GB लैपटॉप होने के बावजूद भी लैपटॉप ना, डेल्टा का कमेंट है कि 4GB लैपटॉप है उनके पास फिर भी उनके में ये गेम बहुत अच्छे से चलता है। तो भाई 29 तारीख को सेल आ रहा है, जिन भी लोगों को क्रिकेट का थोड़ा सा अच्छे ग्राफिक्स वाला गेम खेलना है बिना लैग का, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे में आप में चलेगा कि नहीं, बट आप इसको रिफंड करा सकते हो, लेने के बाद पैसे वापस करवा सकते हो अगर आपको पसंद नहीं आती है गेम तो, 2 घंटे का पीरियड रहता है आपके पास। ये कैसे बीट होगा यार समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है जॉन्स का लास्ट ओवर, 2 चौके देके गया है, खुश तो बिल्कुल नहीं होंगे। आदिल ने सब्सक्राइब किया है यहाँ पे भाई थैंक यू। 40 श्रेक आ रहे हैं, मैं स्पिनर का इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि इसके बाद जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स आएंगे या फिर इसमें आईपीएल है, इसमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा आईपीएल कैसा है इस गेम का। वो बैकफुट नहीं थी गेंद, फ्रंट फुट वाली थी, मिस किया मैंने इस बार। ठीक है अब मैं स्टांस और बदलना चाह रहा हूँ, स्टांस और बदला, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा गेम है ना थोड़ा सा लैग टाइप कर रहा है। ठीक है बढ़िया स्क्वायर कट, बढ़िया फ्लिक, स्क्वायर कट नहीं सॉरी बढ़िया फ्लिक स्क्वायर की तरफ से, 2 रन, जीत आने वाली है और जीत का सेलिब्रेशन भी हम कुछ देर में देखने वाले हैं। 53 रन और चाहिए, मेरे को मन कह रहा है मैं एक पोल डालूं कि क्या भाई आप लोगों को लग रहा है कि मैं पूरे ओवर सर्वाइव कर पाऊंगा, ये बाउंड्री होगी नहीं नहीं नहीं, निकलती बहुत अच्छे से भाई गेंद बट रुक जाती है फिर। अरे मेरे को याद नहीं भाई मैंने कितने की खरीदी, आपको लेनी हो तो आप स्टोर में से ले लेना भाई, आप पुरानी वीडियो जाके मेरी देखो मैंने उसमें बताया होगा कितने की खरीदी, मुझे याद नहीं भाई कि एग्जैक्ट कितने प्राइस में मैंने ली थी, जब सेल आया तब ली नहीं मैंने, पता नहीं सेल में ली थी कि ऐसे ही ली थी, बट आप मैंने कितने में ली थी वो पुरानी वीडियो में पता लग जाएगा। अभी आपको अगर लेनी है तो 29 तारीख तक वेट करो, 29 को 10:30 बजे सेल आएगा, 10:30-11:30 बजे और लगभग 12 तारीख तक, अगले महीने तक चलने वाला है 7-8-10 दिन, तो अच्छा टाइम है आप लोगों के पास कोई भी गेम बाय करने का, कोई भी गेम सब पे डिस्काउंट आने वाला है भाई। बाउंड्री 50 प्लस पार्टनरशिप डन होती हुई भाई, इस गेम में वो वाले अंपायर थोड़े से अलग है, मतलब ये वाले अंपायर ऐसे तो वो वाले भी होंगे जो हर बार रहता है भाई, ये कैमरा एंगल देखो एकदम रियल लाइफ वाली फीलिंग आता है, बॉडी स्ट्रक्चर मुझे इसका क्रिकेट 22 से ज्यादा अच्छा लगता है। पार्टनरशिप हो गई हमारी यहाँ पे 50 विदाउट लूजिंग अ विकेट और मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये मेरा हाई स्कोर बन रहा है आज, आज मैंने ओए देख के आज मैंने अच्छी बैटिंग की है भाई, मानना पड़ेगा भाई, लाइक भी कर देना जो भी लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं यार, प्लीज सपोर्ट कर देना लाइक पे चैनल के पे। पाकिस्तान में भी होगा ये गेम भाई, पूरी दुनिया में होगा, पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है भाई, पाकिस्तान कुछ अलग है क्या। ये क्रिकेट का लिंक सेंड करने को कह रहे, ये क्रिकेट का लिंक भाई मैं भूल गया कौन सा लिंक था मेरा, वो बुलेट बुलेट की रफ्तार रायने करके गेंदबाज आए हैं, उनको उनकी गेंदों को भाई बुलेट की रफ्तार से बाउंड्री पहुंचाते हैं भाई, ये मेरा आज का बैट शॉट, मैंने 4 चौके लगा दिए बट ये कुछ अलग ही स्पीड से निकला, हर बार खेलने के बाद मैं बोलता था पता नहीं जाएगी कि नहीं 4, ये ऐसा शॉट था कि निकलते ही 4 रन जा चुका है भाई, यहाँ पे निकलते ही 4 रन जा चुका है, 2 चौके। अब मेरी रनिंग, अब मेरी बैटिंग थोड़ी सी मुझे इंप्रूव, ओ नहीं नहीं लास्ट टाइम ऐसे आउट हुए थे, बच गए भाई, फ्रंट फुट बैक फुट संभाल कर भाई, सामने वाला दिक्कत है भाई। अंशुमन कह रहे संगीत वाला शॉट ये क्या है भाई हा।
एसी 17 कैसे गेम है पता नहीं भाई, आप पुराने चैनल मतलब वीडियोस देख सकते हैं आप मेरे को, क्रिकेट 17 मैंने, हाँ मैंने खेली हुई है भाई, आप उसमें जाके देख सकते हो आप डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट में। मैं 17 के बारे में तो आपको ज्यादा नहीं बता सकता, बट हर गेम अच्छी होती है भाई, रिव्यू भी आप देख सकते हो लोगों के जब बाय करने से पहले। बाकी अगर क्रैक कर रहे हो तो फिर क्रैक करने वाले को मैं नहीं बता सकता भाई, क्रैक करने वाले को तो क्या दिक्कत है, फ्री की है, क्रैक कर लो भाई। डीजे गेमर का हर गेम अच्छी है भाई, क्रिकेट 96 भी अच्छा है, मेरे को क्रिकेट 96 अच्छा लगता है, क्रिकेट 2002 अच्छा लगता है, क्रिकेट 2004 अच्छा लगता है, डॉन ब्रैडमैन अच्छा लगता है, सीरीज अच्छा लगता है, सब अच्छा है भाई, डिपेंड करता है आपको कौन सा अच्छा लगता है। मेरे लिए तो सब गेम्स अच्छे हैं, डॉन ब्रैडमैन अच्छा है, इसी 17 अच्छा है, 19 अच्छा है, 22 ठीक है, 22 ठीक है, सब अच्छी गेम है भाई। वो डिपेंड करता है आपको कौन से स्टाइल पसंद आ रही, कौन सा ग्राफिक स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है, किसका यूआई आपको अच्छा लगता है, किसकी किसकी बैटिंग में आपको ज्यादा चैलेंज लग रहा है, तो पता नहीं। अराफात कह रहे हैं मफतिया, भाई मफतिया वालों के लिए मेरे पास कोई सजेशन नहीं है, क्योंकि मफतिया वालों को मफतिया वाली जो वेबसाइट होती है वो इतनी कई बार वायरस वाली होती है, तो उसमें क्या दिक्कत आती है पता नहीं। प्लस जो मफतिया वेबसाइट होती है वो एक बार अपडेट करने के बाद दूसरी बार अपडेट नहीं करती, तो अगर आपके पास पुराना गेम होगा तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एरर देगा, तो उसका सॉल्यूशन और उसका जवाब मेरे पास नहीं है भाई, तो मैं उसको कोई हेल्प नहीं कर सकता। जिनको बाय करना है ऑफिशियली वो भाई स्टीम से जाके बाय कर सकते हैं, स्टीम से बाय करोगे तो फायदा रहेगा भाई, आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा, और कोई दिक्कत होगी तो अपडेट में आपको नेक्स्ट अपडेट आएगी 1GB, 2GB, 10GB, 20GB की, तो आपकी दिक्कत ठीक हो जाती है, तो डिपेंड करता है भाई कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, जीत मेरा 50 हो रहा है, वाह भाई, मैं बैटिंग आज का जब लाइव स्ट्रीम शुरू किया था ना, मैंने नहीं सोचा था कि मैं 50 मारूंगा। लास्ट टाइम मैंने जब लाइव स्ट्रीम किया था, अरे रोक लिया, नहीं 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 नहीं, और इसका रिप्ले देखना होगा, बाउंड्री पे कुछ हुआ है अजीब सा, मैं देख नहीं पाया क्या हुआ है, बट फिर भी कुछ हुआ जिससे गेंद एक सेकंड के लिए, हाँ ये देखो ये फील्डर पहुंच गया था, इसने हाथ भी मारा शायद, अरे उठा भी लिया लेकिन पैर छू गया बेचारे का। और मैं बता दूं आपको, मुझे फ्लैट बैट का स्किल का मिला है। कमेंट आ रहा है पाकिस्तान को यहाँ पे आज झटका लगा होगा, भाई पाकिस्तान को कोई झटका नहीं लगा, पाकिस्तान को झटका आज नहीं लगा, पाकिस्तान को झटका 4-5 दिन पहले ही लग गया था। अगर आपको पता होगा आईसीसी जब भी इंटरनेशनल लेवल पे जब भी क्रिकेट का शेड्यूल होता है, कोई टूर्नामेंट होती है, जब वो शेड्यूल रिलीज करते हैं ना, उससे पहले सारे बोर्ड वालों को भाई फोटोज और सारे बोर्ड मेंबर्स को मेल जाता है, उन लोगों को पहले से पता होता है और उनसे पूछा भी जाता है कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। और 4 दिन पहले डिसाइड हो गया था कि अहमदाबाद में होगा मैच, मैं जाने वाला हूँ 15 अक्टूबर को, है ना, मैं जाने वाला हूँ भाई, व्लॉग भी आएगा, पहले ही बोल दे रहा हूँ, नहीं तो सब बोलेंगे भाई व्लॉग बनाना। व्लॉग तो बनाऊंगा ही भाई, इंडिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान से जो लोग हैं भाई, बाबर आजम को आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम देखूंगा खेलते, अरे पूरी पाकिस्तान टीम को ही फर्स्ट टाइम देखूंगा ऐसे तो मैंने। अरे यार गेम क्रैश हो गया, ये इस गेम का बहुत बड़ा दिक्कत है भाई, गेम क्रैश होता है बीच में, ये गेम अगर आप बाय करने वाले हो तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, ये गेम क्रैश होता है विंडोज 10 में 64-bit में, बहुत क्रैश होता है, कई बार तो मतलब 20 ओवर्स का आप टूर्नामेंट कर रहे हो, 20 ओवर्स की एक इनिंग में आपका 4 बार क्रैश हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, क्रैश बहुत होता है। अराफात कह रहे हैं हमारी टिकट का क्या होगा, भाई जो लोग पाकिस्तान से आने वाले हैं उन लोगों के लिए इंडियन गवर्नमेंट कुछ टाइम के बाद, या फिर वहां पर पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो कोई लिस्ट बनाएगी कि ये लोग हैं, ये लोग जो हैं ये क्रिकेट देखने के उम्मीद के साथ या क्रिकेट देखने के लिए जाने वाले हैं, इंडिया जाना चाहते हैं, तो वहां पर वो लोग कुछ अलग से लिस्ट बनेगी, उनका अलग से वीजा कटेगा, वीजा कटने के बाद उनका फिर इंडिया में आना होगा, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, जो लोग भी देखने आना चाहते हैं वो आ सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। मैंने ये क्या ओपन कर दिया। चालू हुआ कि नहीं, स्क्रीन आई कि नहीं भाई, हाँ भरोसा नहीं यहाँ पे। जासूस कह रहे हैं बाबर आजम की सेंचुरी देखने के लिए तैयार है ना, भाई ना 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 ना, नेशनल इंटरनेशनल मैचेस में कोई ड्रामा नहीं, इंडिया को जीतना है वो मैच, नहीं जीती तो फिर बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा भाई, तो हारना मत भाई इंडिया। मैच मेरे को तो लग नहीं रहा है कि, मेरे को लग रहा है वहीं से कंटिन्यू होगा जहां से मैंने छोड़ा था, शायद 2-4 गेंदे थोड़ा बहुत पीछे हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो अगर पूरा स्टार्ट होता है तो बहुत बड़ा झटका मेरे को, क्योंकि मैं अच्छा खेल रहा था। प्लीज धोखा मत देना गेम, मुझे लग रहा है धोखा दे दिया, क्योंकि ये एनिमेशन तो टॉस का एनिमेशन है भाई,
लेस्टर साहब वन द टॉस एंड चूज टू बैट फर्स्ट। अरे भाई साहब, भाई पूरी इनिंग मिट गई भाई यहाँ पे। अरे बाप रे, पूरी इनिंग मिट गई और सामने वाली टीम ने पहली इनिंग में बैटिंग ले लिया फर्स्ट, जो कि आसान था इस पिच पे, और 400 के ऊपर के रन मारे, 269 मारे, 270 मारे रॉबसन ने, 100 से ज्यादा जॉनसन ने दिए, और फाइनली हमारी बैटिंग आ रही है। अरे बाप रे, हम आ तो गए मैदान में, बट भाई क्या गंदे तरीके से इन्होंने गेम मेरा बनाया था। मतलब हर ओवर के बाद मुझे अब गेम सेव करना होगा, ये चीज मुझे ध्यान रखनी होगी। सेव का ऑप्शन है, हाँ सेव एंड एग्जिट है, बट भाई मेरे को एग्जिट नहीं करना, मुझे खाली सेव करना है। डेवलपर्स बहुत दुष्ट हैं यार। अच्छा सेव एंड एग्जिट हो जाता है, ऐसा मत करो यार। ठीक है सेव एंड एग्जिट ऐसा होता है ना, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो मेरी किस्मत ही खराब है, इतना अच्छा खेलने के बाद भाई पूरा टूर्नामेंट पूरा मैच रिसेट हो गया। सामने वाली टीम में कप्तान रविचंद्र नहीं वो सरवन है भाई, अरे वेस्ट इंडीज वाले। ठीक है हम लोग फिर से बैटिंग में आए हैं और फील्डिंग चेक करेंगे, चेक नहीं की है। मैं कुछ सोच रहा हूँ पहली इनिंग है मार ही दूं शॉट बैक फुट पे सिंगल के लिए। एक चीज नोटिस करने लगे कि गेल और वार्नर की जोड़ी बिल्कुल भी नहीं चल रही, हर मैच में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है यहाँ पे। अंकुर कह रहा है पूरा गेम बर्बाद हो गया। भाई मैं 5 ओवर के बाद गेम सेव करूंगा, या तो आउट होने के बाद गेम सेव करूंगा एक बार, यही करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो फिर कुछ कुछ देर में हर बार ये गड़बड़ करेगी गेम। शॉट मिडलिंग की आवाज बहुत ही प्यारी सी आती हुई, हर बार या तो वार्नर आउट हो जा रहे हैं जल्दी या तो क्रिस गेल आउट हो जा रहे हैं, दोनों में से कोई एक तो गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे। लाइक भाई जरूर करना, लाइक जरूर करना भाई जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है चैनल पे अभी तक। मैं जानबूझ के बैकफुट खेल रहा हूँ, ये शॉट फ्रंट फुट था, मुझे मालूम भी था, पर मैं चेक कर रहा था कि बैकफुट पे क्या होता है, क्या एजेस लगती हैं, बट नहीं अभी तक तो नहीं लगी है कुछ एजेस। लाइव गोल आज मैंने स्क्रीन पर रखा नहीं है, अरे ऐसा कैसे। फ्लिक, क्या खेला शॉट यार, ऐसे सारे शॉट्स के लिए तो भाई हम लोग पीसी की गेम हाई ग्राफिक्स ही खेलते हैं यही शॉट्स देखने के लिए। बाकी क्रिकेट 22 बाकी आप मोबाइल की गेम में देखोगे तो आपको एहसास होगा, लेकिन इतना अच्छे से नहीं होगा जितना मैंने अभी इस गेम पे किया बैकफुट फ्लिक का एहसास। ऑटो सेव का ऑप्शन नहीं, ऑटो सेव है लेकिन वो मैचेस वो हर बॉल और हर उस पे नहीं करता वो, आई थिंक मैच पूरा होने के बाद ऑटो सेव करता है। टारगेट चेक करने को कह रहे हैं, चेक करना भाई अभी तो बहुत बड़ा टारगेट है, अभी तो बहुत बड़ा टारगेट है, 400 के ऊपर मारे हैं अभी तो बहुत मुश्किल है यहाँ से निकाल के ले जा पाना। अराफात कह रहे हैं डिफिकल्टी नहीं भाई इस गेम में ऐसा ही है, प्लीज बार बार डिफिकल्टी का सजेशन मत दो। मैंने पहले भी मतलब आपकी कमेंट देखी थी बट कुछ था नहीं उस कमेंट में, इस गेम में ऐसे ही डिफिकल्टी रहती है, डिफिकल्टी से कोई मतलब नहीं, पेस ऐसा ही आता है इस गेम का। दूसरी बात लेस्टर शायर के गेंदबाज हैं तो वो अभी 130 के आसपास हो रहे, 150 वाली आएगी तो 113 की पेस से गेंदबाजी हो रही है, 113 का पेस ऐसा ही होता है गेम में, तो सॉरी भाई आप गलतियां मत निकालो भाई यहाँ पे। आप एग्रीकल्चर का कोर्स करते हो, ये कौन सा कोर्स होता है, अरे मैं ना सामने खेल रहा हूँ। क्रिस गेल का बल्ला और वन बाउंस फोर, एक बॉल देखी मैंने अभी तक सिर्फ, और उस पर भैया क्रिस गेल के बल्ले ने बैकफुट पे मार दिया लॉफ्टेड फोर। ये क्रिस गेल है भाई, पहले अपनी बैटिंग ले लो फिर हम लोग सेव करते हैं इसको। सेव एंड एग्जिट, लाइक गोल सेट करने को कहना भाई, लाइक गोल आप लोगों के ऊपर ही है सब कुछ, लाइक करते रहो भाई आप लोग, सब लोग लाइक सपोर्ट मार दो। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड डे नाइट मैच, नहीं डे नाइट नहीं होगा, डे नाइट नहीं होगा भाई का। एंडरसन यहां पर है हमारे 12th मैन, राउंड 8 है ये टूर्नामेंट का, राउंड 8 है, ओके ये टूर्नामेंट है हमारी जिसके अंदर वर्ल्ड 11 ने पार्ट लिया इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट के अंदर। ठीक है हम दूसरे प्लेयर की बैटिंग नहीं देखेंगे यहाँ पे। अरे भाई मुझे पता है एग्रीकल्चर क्या होता है बट मेरा उससे क्या संबंध अभी।
लाइक्स ऐड ही है भाई, अनलिमिटेड लाइक, इनफिनाइट लाइक्स। लाइक को सेट करने की क्या जरूरत। आप बढ़िया फील्डिंग, एक रन, रनिंग भी आप देख सकते हो। अब आप बोलोगे भाई डिफिकल्टी कम है इसकी, रनिंग स्लो है, भाई वो गेम अलग थी, आप जो गेम खेलते हैं वो अलग है, हर गेम का अपना पेस होता है। एपिक क्रिकेट गेम है, RC22 है, WCC3, उसमें आप तीनों गेंदों के पेस चेक करोगे तो अलग है, हर गेम को एक जैसा मत जज करो। ये गड़बड़ कर दी भाई मैंने। हाँ बाउंसर की वार्निंग दी है, हम कट करना चाह रहे थे बट मैं, हाँ मैं स्लिप में कट नहीं कर रहा था, वो गलती से स्लिप में कट हो गया, मैं तो भाई गली वली में से मारने के मूड में था, बट फॉल हो गया विकेट का। 11 बॉल फेस की, 10 रन बनाया है, फर्स्ट इनिंग मेरे लिए पनौती रही है, लास्ट टाइम 0 पे आउट हुआ था, इस बार सिर्फ 10 रन बना के आउट हो गए। मैंने खेला सही था बट गली में नहीं खेलना था, थोड़ा एजिस भी लगा था, बॉल का क्रॉस सीम पकड़ा था, अरे भाई क्रॉस सीम रखी थी गेंद, इसीलिए आउट कर पाया, नहीं तो नहीं कर पाता। एबीडी विलियर्स आ रहे हैं, आप देखो एबीडी विलियर्स करते कितना है रन, क्रिस गेल 50 करके आउट, भाई बेकार खेलते हैं, सिर्फ नाम की वर्ड 11 है, खेलते किसी को नहीं आता। अब ये क्या हुआ, फिर रुक गई, फिर क्रैश हो गई। ए भगवान, चलो अच्छा है, इस बार तो मुझे फायदा होगा, इस बार तो मुझे फायदा होगा भाई, यहाँ पे इस बार के क्रैश से मुझे फायदा होगा, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को नुकसान था, इस बार फायदे में रहूंगा मैं। ठीक है, क्लोज द प्रोग्राम। हाँ भाई क्लोज, मैं बता दूं अगर आपकी भी गेम ये होती है ना क्रैश, तो भाई भूल जाओ, आपकी वो चालू होगी, क्लोज ही करना पड़ेगा आपको, पूरा गेम क्लोज करके फिर तभी चलेगी, नहीं तो नहीं चलती भाई। नो इफेक्ट फाइल्स इन द फॉन्ट पर वेरीफाई द सेटअप, ठीक है, एडिट ग्लोबल प्रिंट डिफ्रेशन, ठीक है, ये तो भाई पता नहीं ये मैंने क्या इंस्टॉल किया हुआ है, यही गड़बड़ करता है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना भाई, कि चाहे कुछ भी कर लो, आप सेव कर लेना था भाई, मैंने सेव किया था बट मेरे आउट होने से पहले किया था, मैं हर बॉल पे सेव नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे। और हाँ इसी बहाने आपको पता भी लग गया कि जो लोग लेने का सोच रहे थे गेम, उनको आइडिया मिल गया कि भाई इस गेम में ये दिक्कत है, ये गेम क्रैश बहुत होता है, बहुत क्रैश होता है। ये तो फिर भी कम है, अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई का मैच में रखा रहा था लास्ट टाइम, मैच ही चालू नहीं हुआ था यहाँ पे, अभी तो फिर भी ये तो फिर भी कम से कम कुछ हुआ है। सिडनी का ही ग्राउंड है, पता नहीं क्यों इवनिंग नाइट का भी दिखाया है इसमें। ठीक है, हमारी बैटिंग वापस आ गई है। मैं सोच रहा हूं, देख तो आउट हुआ था लास्ट टाइम, तेज ही मार दे इस बार। अरे खेल लो। कैच ड्रॉप हुआ है यहां पे, डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट 14 फुल लेंथ गेन बॉटम शॉट, इतना तेज शॉट मारा था हमने बेचारे का कैच ड्रॉप हो गया। अरफात कह रहे हैं मैंने इसको PS3 में खेला था, भाई यस ये गेम PS3 में अवेलेबल था, और अभी भी जैसा कमेंट आया था कि लैपटॉप में कई लोगों के बहुत ही कम स्पेक वाले PC में भी अच्छे से चलता है, मतलब 4GB रैम वाले में भी ये गेम काफी अच्छे से चलता है। तो यस भाई ये इस गेम का फायदा है, काफी अच्छे से इसको डेवलपर्स ने बनाया था, ऑप्टिमाइज किया था कि आपका PC थोड़ा कमजोर भी है तो भी गेम को खींच लेगा कम से कम। 3 रन ले रहे हैं पर नहीं, दो 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 इस बार शायद, मुझे लग रहा है इनिंग में अच्छा खेलेंगे हम लोग, ऐसा मुझे आ रहा है। ठीक है, 16 में 14, 10 में 12 शॉट बट बीट, इस बार बॉलर बीट हुआ बट मिड ऑन बीट नहीं कर पाया यहां पर। ठीक है, मैं फ्लिक करूं थोड़ा सा, क्या कैमरा एंगल भाई यही सही है, ब्रॉडकास्ट का कैमरा एंगल है ये वाला, और ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट श्योर यहाँ पे बैकफुट पे, यार चार नहीं जाते इस गेम में, और ये मेरे से नहीं, आप किसी से नहीं जाते भाई, ये गेम थोड़ा सा अलग तरीके का है क्योंकि फील्डिंग इसमें आपको दिखता नहीं है, तो आपको ऐसे कैमरा रख के फिर आपको दिमाग में सोचना पड़ता है अच्छा ये एंगल है। ठीक है, तो मैं पॉइंट खाली है, मेरा पॉइंट पूरा खाली है, पॉइंट पर लॉप मार सकते हो, और तो फाइन लेग है बट फाइन लेग मुझे लगता नहीं मार पाऊंगा मैं, स्टांस तो है इसका बट जबरदस्ती नहीं भाई, बोल्ड हो गए यहाँ पे। आ
ठीक है, क्रिस गेल। फ्रंट फुट पुश, लास्ट टाइम हमने देखा था तो चौका मारा था भाई। पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल क्रिकेट 22 और क्रिकेट 19 वाला है, डेवलपर से कुछ भी नहीं बदला, खाली डेवलपर ने थोड़ा सा कलर की डिजाइन है ना वो थोड़ी सी चेंज कर दी, और मतलब ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, बाकी कैरेक्टर तो बदले हैं और भी चीजें थोड़ी बहुत बदली है। ऐसे भी 2013 का गेम है, 2013 10 साल पुराना गेम है और हम लोग 2023 में कर रहे हैं। जब मैं खेल रहा हूँ ना 10 साल पहले ये गेम शायद बीटा वर्जन या ऑलमोस्ट टेस्ट पास कर चुका होगा, शायद लॉन्च भी हो चुका होगा शायद 2013 के आसपास, जून जुलाई के आसपास, क्योंकि बिग एंड वाले जून जुलाई में ये गेम लॉन्च करते हैं, इसी आता है तब। ड्राइव तो अच्छा लगा रहे हो लेकिन रन उतने खास नहीं आ रहे यहाँ पे, वो थोड़ी सी चिंता वाली बात है। राय ने पूरा का पूरा नहीं, तीन गेंदें खेली हैं यहां पर, चलेगा। फिर एक बार बैक फुट पे रन सिर्फ एक ही। और हाँ वो आउट हो गए, क्रिस गेल आउट हो गए, तो एबीडी विलियर्स के साथ ना खेल रहा हूं जिन्होंने 6 गेंदों में 2 रन बनाए हैं, अभी अभी आए हैं बैटिंग करने, एक ही ओवर खेली है उन्होंने, बट क्रिस गेल आउट हो चुके हैं। कई लोग बोलेंगे भाई ये बैटिंग पिच है या बॉलिंग, भाई बैटिंग पिच का हो आप इसको, इस पिच को आप इजीली कह सकते हो इट्स अ बैटिंग पिच, क्योंकि सामने वाली टीम ने 400 से ऊपर मारे रन, वो भी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के सामने। यहाँ पे सौरभ कह रहे हैं कि वो इस गेम को टीवी से कनेक्ट करके खेल देते हैं, बढ़िया भाई। भाई बहुत मतलब पुराने गेम्स में तो ऐसा ही है यार, पुराने गेम्स आपने अलग अलग तरीके से खेले होंगे, कितने पुराने गेम्स जो PS2 वाले हैं, PS1 वाले हैं, वो लोगों ने मोबाइल में खेलते हैं लोग अभी भी। शॉट लेकिन यार एक गैप नहीं मिल रहा, एक स्ट्रेट लॉफ्टेड मारने का मूड हो रहा है मेरा, बट वही है कि डर लगता है, खेलने में दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ आज मैं 100 मारूं, हेलमेट तो पहना नहीं है, पता नहीं क्या उतारूंगा, अगर हेलमेट उतारा तो फिर वही सेम शॉट सेम रिजल्ट। और इस बार अपील हो गई है, ओ एबीडी विलियर्स कॉल देके दौड़ रहे थे बार बार, इस बार बैट और रह गया। ओबे ये क्या कर दिया, अरे पैर कहां है भाई, पहुंचा ही नहीं दूसरा पैर। पुरानी गेम में ऐसा होता था थर्ड एम्पायर, बल्कि ये ज्यादा अच्छा लग रहा है थर्ड एम्पायर अभी वाले से, अभी वाला बहुत सिंपल लगता है यहां पे। ब्रैंडन मैकलम, बट ये विकेट तो भाई मेरे माथे आ गया, ये वाला विकेट तो मेरे माथे आ गया, मैं सेव कर रहा हूं। सेव करके हम लोग फिर से इसको स्टार्ट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ऑटो सेव का ऑप्शन या फिर सेव का ऑप्शन खाली नहीं है इस गेम में, पता नहीं क्यों नहीं रखा डेवलपर्स ने। एक सेव का ऑप्शन होता है, सेव एंड एग्जिट का होता है, तो सेव का ऑप्शन नहीं है डेवलपर्स ने, पता नहीं क्यों नहीं रखा भाई, मुझे भी नहीं मालूम। थोड़ा सा स्टांस बदलेंगे इसमें, मेरे को लेग स्टंप भी मारना है, देखता हूँ क्या करता है ये। लॉफ्टेड शॉट ऊपर से निकल गया है मिड विकेट के, 4 रन। ब्रेंडन मैकलम के आते मैंने भाई बेसबॉल खेलना शुरू कर दिया है, और एनिमेशन अलग ही लेवल के भाई इस गेम के, कैमरा इफेक्ट जो भी है स्क्रीन के ऊपर बहुत ही अलग, एकदम अलग ही शॉट। लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है, ये दिक्कत है कि निकलता बहुत तेजी से है गेम बट रुक जाता है अपने आप ही यहां पे। स्ट्राइक रोटेट हुआ था हाँ, तो अभी इंतजार करना पड़ेगा कि हमारा नंबर कब आता है भाई यहाँ पे। टुम्पा भाई बस करो भाई, आपको किक करना पड़ेगा मेरे को चैनल से ही, बार बार एक ही कमेंट मत करो भाई, नहीं करना है चलेगा भाई आपका, बट बार बार मत करो एक ही कमेंट। तीन रन, मैं रिस्क की तरफ हूँ, रहने दे, मैं अपने आप को रिस्क की तरफ नहीं रखना भाई यहाँ पे। एक मिनट भाई, क्रिकेट 22 से अच्छा है भाई, और वो तो भाई डिपेंड करता है आप कितने घंटे खेल रहे हो गेम, 10 मिनट खेलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, 1 घंटा खेलोगे तो ठीक लगेगा, 2 घंटा खेलोगे तो प्रॉब्लम दिखाई देने लगेगी, 4 घंटा खेलोगे तो फिर बोलोगे यार पता नहीं अच्छा है कि बुरा है। ओ अपील क्यों भाई, मुझे कोई आज नहीं सुनाई दी है एम्पायर। हाँ डीआरएस 2013 में था, डीआरएस नहीं था 2013 में, डीआरएस नहीं था,
होता तो अभी तक यूज हो जाता शायद। ओ लॉफ्टेड शॉट था, बच गया। तो इतना इतना रनअप पता नहीं कैसे कर ले रहे हैं चश्मा पहन के। स्पिनर का इंतजार है, चार्ली आए यहाँ पे 64 for 3 wickets। फाइनली हमारी बैटिंग आती हुई मैकलम के साथ हम लोग पारी को। ओ अपील होगी शायद, आवाज आई थी इस बार, अपील ही नहीं हुई लेकिन लॉफ्टेड शॉट था मेरा। स्ट्राइक आया है बैटिंग करने यहाँ पे, लॉफ्टेड नहीं, वन बाउंस गिरा है। और एक बात और बता दूं भाई, इस गेम में आपको कभी परफेक्ट टाइमिंग का मीटर वीटर कहीं नहीं दिखता। आपको जैसे रियल लाइफ में आपको खुद ही समझना होता है ना कि हाँ इतना पेस है, इतना मीडियम पेसर है तो इसका इतना पेस होगा, कैच आउट बच गए, तो खुद ही आपको गैस करना होता है। जैसे रियल लाइफ में होता है कि हाँ ये मीडियम पेसर है तो इसका पेस 120 to 110 to 125 होगा, तो उस हिसाब से आप इसको गैस कर सकते हो। ओ मिस फील्डिंग हुई, अरे रन आउट मिस कर दिया। ब्रेंडन मैकलम बच गए। और एक चीज नोटिस करो, ब्रेंडन मैकलम पूरा बेसबॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, 16 गेंदों में 16 रन मारे हैं उन्होंने। आखिरी गेंद पे स्ट्राइक हमारे पास, प्लीज स्पिनर को लाओ यार, स्पिनर को लाओ। शॉट लॉफ्टेड, पूरा जगह खाली, मैंने बोला तो पॉइंट पूरा खाली है भाई मेरा। और ये रोक सकता है, पैर टच नहीं हुआ, 3 रन और पॉइंट पूरा खाली है। स्क्वायर और फाइन लेग भी पूरा खाली है, पॉइंट भी पूरा खाली है, बट हर गेम को आप फाइन लेग मार नहीं सकते, तो मेरे लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। अरे यार गेम फिर क्रैश हो गया। क्या करूं भाई, इसका अलग ही चल रहा है गेम। एक सेकंड भाई मुझे स्टीम ओपन करने दो। ये मैंने जहां इंस्टॉल किया हुआ है ना वहां पे मैंने उसके कारण तो नहीं हो रहा होगा, मैंने रीशेड इंस्टॉल किया हुआ है इसके अंदर जिससे ग्राफिक्स अच्छे हो जाते हैं, बट मुझे लगता नहीं कि उसका कोई दिक्कत है इसके साथ। मैं डिलीट कर दे रहा हूँ इसको, गेम क्लोज करनी पड़ेगी भाई, और कोई रास्ता नहीं। वेट का आप करना चाहो तो कर सकते हो, घंटों तक का वेट होगा लेकिन चलेगी नहीं गेम, तो बेहतर है कि आप डिलीट ही कर दो। मैंने वो डिलीट कर दिया है, उसके अलावा स्क्रीन सेवर करके कुछ ऑप्शन आ रहा है, ये सब बेकार है भाई। एक सेकेंड, D3 D9 DLL ये पता नहीं काम का है कि नहीं। रीशेड को हटा दे भाई, रीशेड लोग, ये पता नहीं कहाँ से रीशेड इंस्टॉल हो रहा है इसमें बार बार। T4C क्रिकेट ने भाई यहाँ पे हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन किया है, तो भाई थैंक यू। नो सरप्राइज, होम टू स्टार्ट द ट्यूटोरियल, ओके कंटिन्यू। कॉन्सोल में ऐसी दिक्कत नहीं होती। हाँ भाई कॉन्सोल तो एक ही होता, कॉन्सोल्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉन्सोल्स में क्या दिक्कत होगी, एक ही कॉन्सोल होता है, उसमें क्या दिक्कत होने वाली है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, वो तो जैसा है वैसा ही रहने वाला है। हाँ एक और मेरी इच्छा थी भाई आप लोगों के साथ एक गेम खेलने की, एक सेकेंड मैं देखता हूँ अगर वो हो पाए तो, बट उसमें एक दिक्कत है, थोड़ा टाइम लगेगा सेटअप होने में और गारंटी नहीं कि वो सेटअप अच्छे से हो पाएगा कि नहीं। मैं कैमरे को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। डॉन ब्रेडमैन पता नहीं भाई चल नहीं रही, नाटक कर रही है गेम, बट एक गेम थी जो मैं बहुत टाइम से आप लोगों के साथ खेलना चाह रहा था, VR की गेम, स्टोरी वाली गेम है, मूवी वाली गेम है, VR मूवी है एक, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है भाई, अगर मेरे से लाइव स्ट्रीम में वो कनेक्ट हो जाती है अच्छे से चल जाती है तो फिर बेस्ट है वो। ठीक है तो ये हो गया हमारा VR हेडसेट, उसके बाद मुझे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा ऑक्यूलस के साथ, ऑक्यूलस, उसके बाद मुझे इसको स्ट्रीम करना पड़ेगा स्क्रीन के ऊपर, उस स्क्रीन को मुझे कनेक्ट करना होगा मेरे इसके साथ। ठीक है न्यू ड्राइवर्स अवेलेबल हो गए, अपडेट करूँगा, अपडेट नीड आओ ठीक है, लेट्स सी करते हैं भाई कुछ अलग चीज़ ट्राई करते हैं। आवाज़ कैसे आएगी मुझे देखना पड़ेगा, इसकी आवाज़ इसके अंदर कैसे आएगी स्क्रीन के अंदर। DBC 14 भाई मैं भी क्या बोलूँ, इतना 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 क्रैश हुई है कि मैं रिकमेंड करने से डर रहा हूँ किसी को, अपने दोस्तों को तो नहीं बोलूँगा भाई कि आप बाय करो अभी, मतलब ट्राई कर सकते हो फिर आप, अगर आप 1 घंटा खेलते हो कोई क्रैश नहीं होता है 1.5 घंटा तो रखो, बाकी आप रिटर्न कर दो, मैं ये सजेस्ट करूँगा। ठीक है भाई तो मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ इसको सेटअप करने में,
एक बार चल गई तो फिर और भी गेम खेल पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। अरे बैटरी गई क्या इसकी? इनको पता नहीं, बता दूं भाई इसके अंदर बैटरी होती है। आई थिंक बैटरी गई इसकी। अरे यार जानी नहीं चाहिए बट कैसे चली गई। ये चल रहा है, हाँ ये चल रहा है, ये वाला चल रहा है, बट ये वाला पता नहीं क्यों बंद हो गया। कौन सा चल रहा है ये नहीं पता। दोनों डेड हो गए। अबे दो बैटरी भी नहीं है मेरे पास कि मैं दो बैटरी लगा सकूं इसके अंदर। किस्मत जब खराब हो तो यही होता है भाई। एक बैटरी है मेरे पास ये वाली, पर क्या नाटक है ये। ये राइट कंट्रोलर है, इसकी बैटरी गई। एक भी कंट्रोल चल जाएगा तो सही है भाई, मुझे तो खाली गेम चालू करनी है, मेरा काम हो जाएगा। एक कंट्रोलर भी चल जाएगा तो बहुत है मेरे लिए। हाँ चल गया चल गया चल गया भाई चल गया। ए गया कंट्रोलर, अबे तेरी बच गया भाई। अभिषेक कह रहे कितनी बार क्रैश हुई भाई, आप देख सकते हो वीडियो की शुरुआत से। अभी तो हाल फिलहाल मैं इसको पहले सेटअप करूंगा, इसको चेंज करूंगा मैं थोड़ा। रीडू मुझे मालूम है आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, बट ये मैं बाउंड्री बना रहा हूँ। इस बाउंड्री में रह के मैं सिर्फ ये गेम खेल सकता हूँ, उसके अलावा गेम बंद हो जाएगी। ठीक है, बैटरी भी इसमें नहीं है। क्या क्या नाटक है, अलग अलग ड्रामे चल रहे हैं भाई। यहाँ पे तो अच्छा है कि मैंने पीछे पावर बैंक लगाई है इसलिए कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्वेस्ट लिंक लॉन्च। ठीक है भाई, मैं गेम लॉन्च कर रहा हूँ इसके अंदर। कनेक्ट योर हेडसेट। ठीक है, मेरा तो कनेक्ट है ही हेडसेट, क्या दिक्कत है इसको। ठीक है, मेरे में तो हो गया कनेक्ट। अब इसके अंदर आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाना है भाई कि स्क्रीन पे क्या होता है। वेट भाई, मैं लगा रहा हूँ स्क्रीन पे। मेरी लाइब्रेरी वो वाली गेम कहाँ गई जो मुझे दिखानी है आप लोगों को। नहीं नहीं नहीं, इसको क्लोज नहीं करना, इसको डाउन करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें एक बटन है जिससे आप कास्ट कर सकते हो गेम को। एक सेकंड भाई, कास्ट 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 कैसे होता है ये। ठीक है, पहले मैं वो गेम ओपन कर देता हूँ। एक स्टोरी वाली गेम है, एक मूवी है, एक्चुअली स्टोरी वाली गेम भी नहीं है, एक मूवी है जो मूवी मुझे दिखानी है, और मूवी कॉपीराइटेड नहीं है क्योंकि गेम प्ले टाइप है। तो और कहाँ चली गई यार। वेस्टलिंग तो ठीक है, ये रही ये रही ये रही। ठीक है, पेपर बर्ड्स करके एक है। कमेंट सेक्शन में भाई, हाँ एक सेकंड भाई, स्पैम मत करो भाई, हो सके तो। मिल गया मुझे भाई, कास्ट मिल गया, कंप्यूटर में करना है मुझे। नेक्स्ट हुआ कुछ हो गया मेरे भाई। अरे हो जाए यार, अवेलेबल डिवाइसेस दिखा तो रहा है इसमें लेकिन ये कंप्यूटर के कास्ट। अच्छा हाँ 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 हाँ, याद आ गया मुझे, याद आ गया याद आ गया याद आ गया भाई। रुक जा रुक जा रुक जा, पता लग गया, पता लग गया मुझे। एक सेकेंड, आई थिंक ये एज में नहीं चलेगी। oculus.com/casting, ठीक है। अरे यार लॉगिन का भी नाटक है। कमेंट कैसे पढ़ोगे? कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा भाई मैं। मुझे एक्चुअली इसी गेम का लाइव स्ट्रीम कर देना था, मैंने बिना मतलब डॉन ब्रैडमैन खेली। अरे ये क्या कह रहा है? अच्छा हाँ 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 हाँ, सॉरी।
ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन नहीं भाई मुझे फेसबुक लॉग इन करना है तो मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा सकता। तो आपको दिखाने जाऊंगा तो फिर मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि मेरा पासवर्ड दिख जाएगा। एक बार खाली लॉग इन हो जाए बस, ठीक है। अरे यार अप्रूव फॉर्म अनदर डिवाइसेस, क्या नाटक है इसका। एक तो फेसबुक वाले भी इतना ड्रामा करते हैं ना भाई, जैसे अकाउंट हैक ही हो जाएगा। ऐसे तो अच्छी बात है बट कुछ ज्यादा ही हो जाता है भाई। यहाँ पे अप्रूव करना है मुझे, ठीक है भाई। अब मैं आपको मैं कुछ दिखा सकता हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड लॉगिन करवा दे भाई इसको। क्या नाटक है यार, तो हो जाना चाहिए। ठीक है, हो गया हो गया हो गया भाई। क्या नाटक करती है गेम। अब ठीक है भाई, नेक्स्ट हुआ, गो टू कैमरा, सेलेक्ट कास्ट, सेलेक्ट कंप्यूटर, मैंने तो कर दिया है भाई, आ जाना चाहिए यहाँ पे। स्टार्ट कास्टिंग, ठीक है। मैं अब आप लोगों को स्क्रीन दिखाता हूँ कुछ, मैं कैमरा वैमरा छोटा कर रहा हूँ। आवाज़ कैसे आएगी वो मुझे भी नहीं पता, अभी देखना पड़ेगा आवाज़ का क्या करना है, बट कैमरे को छोटा करेंगे हम लोग पहले तो। और ये क्या कह रहा है, देर वॉज एन एरर इन योर स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग हैज बीन स्टॉप्ड, कहा है भैया। ये मेरी जो स्क्रीन है ना, यहाँ से कास्टिंग होगा। मेरा जो इसके अंदर का एप्लीकेशन है ना, वो आपको दिखाई देगा वहाँ पे, तब कास्टिंग चालू हो जाएगी। इसके ऊपर पता नहीं क्या हो रहा है भाई, एयरलिंक से कनेक्ट करना है क्या है, समझ नहीं आ रही ये चीज। ये गेम को मैंने खेला हुआ भी है कंप्यूटर के ऊपर, बट फिर भी नहीं चल रही है। ठीक है, मैंने इसको बंद किया है, सेलेक्ट कास्ट, पता नहीं भाई क्यों नहीं चल रहा, मुझे भी नहीं मालूम इसका आंसर। एक और तरीका भी है इसको करने का, वायर के साथ। नाटक हो ही रहा है गेम में, तो आप भाई ये भी नाटक चेक कर लें, ट्राई कर लेते हैं भाई ये वाला नाटक भी गेम का। जब मेरे को इनको पनौती मारनी ही है, बुरा करना ही है मेरा, तो भाई लो कास्टिंग हुआ। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। अब मैं वायर को छूना, मेरे को निकलवाना जरूरी था क्या। हाँ ठीक है भाई, मुझे अभी ये नहीं पता। ठीक है, मैंने इसमें माइक तो लगभग सर इसमें जाएगा माइक मेरा। अब आप लोगों को कितना दिख रहा है मुझे वो जानना पड़ेगा, कि आप लोगों को कैसा दिख रहा है स्क्रीन पे, स्क्रीन पे आप लोगों को कितना दिख रहा है और कैसा दिख रहा है वो मुझे जानना पड़ेगा। हाँ अभी तो दिख रहा है मुझे, मालूम है आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत बट आवाज कितनी आ रही वो मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो मैं खुद ही फाइंड करता हूँ उनको, मुझे सबसे बेस्ट तरीका यही है, खुद ही फाइंड करता हूँ। तो वो कितना दिख रहा है और कैसा दिख रहा है वो मुझे जानना पड़ेगा। आवाज आई नहीं रही क्या। हेलो हेलो, अभी तो दिख रहा है मुझे, मालूम है आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत। मेरे को तो नहीं आ रही भाई आवाज, आप लोगों को आ रही हो तो पता नहीं। आवाज कितनी आ रही वो मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो मैं खुद ही फाइंड करता हूँ उनको, मुझे सबसे बेस्ट तरीका यही है, खुद ही फाइंड करता हूँ। तो वो कितना दिख रहा है और कैसा दिख रहा है वो मुझे आवाज का मेन डाउट है।
सबसे बेस्ट तरीका है। सेटिंग्स के भी ऑप्शन है, वाइड स्क्रीन दिख रहा है और कैसा दिख रहा है वो मुझे क्रॉप कर दिया है, जान लगाएगा आवाज आएगी। अच्छा यहां माइक का ऑप्शन अभी तो दिख रहा है मुझे, अब आ रही होगी थोड़ा बहुत, मेरे को तो नहीं आ रहा छोटा, अरे छोटा बड़ा हो जाएगा भाई उसकी दिक्कत नहीं है। आवाज कितनी आ रही वो मुझे नहीं मालूम, आवाज का मेन डाउट है। हेडफोन में चेंज कर लो, स्पीकर्स में दिखाओ भाई सबसे बेस्ट तरीका है। सेटिंग्स के भी ऑप्शन है, वाइड स्क्रीन दिख रहा है और कैसा दिख रहा है वो मुझे क्रॉप कर दिया है, जान लगाएगा आवाज आएगी। अच्छा यहां माइक का ऑप्शन अभी तो दिख रहा है मुझे, अब आ रही होगी थोड़ा बहुत, मेरे को तो नहीं आ रहा छोटा, अरे छोटा बड़ा हो जाएगा भाई उसकी दिक्कत नहीं है। आवाज कितनी आ रही वो मुझे नहीं मालूम, आवाज का मेन डाउट है। हेडफोन में चेंज कर लो, स्पीकर्स में दिखाओ भाई सबसे बेस्ट तरीका है। सेटिंग्स के भी ऑप्शन है, वाइड स्क्रीन दिख रहा है और कैसा दिख रहा है वो मुझे क्रॉप कर दिया है, जान लगाएगा आवाज आएगी। अच्छा यहां माइक का ऑप्शन अभी तो दिख रहा है मुझे, अब आ रही होगी थोड़ा बहुत, मेरे को तो नहीं आ रहा छोटा, अरे छोटा बड़ा हो जाएगा भाई उसकी दिक्कत नहीं है। आवाज कितनी आ रही वो मुझे नहीं मालूम, आवाज का मेन डाउट है। हेडफोन में चेंज कर लो, स्पीकर्स में दिखाओ भाई सबसे बेस्ट तरीका है। सेटिंग्स के भी ऑप्शन है, वाइड स्क्रीन दिख रहा है और कैसा दिख रहा है वो मुझे क्रॉप कर दिया है, जान लगाएगा आवाज आएगी। अच्छा यहां माइक का ऑप्शन अभी तो दिख रहा है मुझे, अब आ रही होगी थोड़ा बहुत, मेरे को तो नहीं आ रहा छोटा, अरे छोटा बड़ा हो जाएगा भाई उसकी दिक्कत नहीं है। आवाज कितनी आ रही वो मुझे नहीं मालूम, आवाज का मेन डाउट है। हेडफोन, अरे डबल, हेलो हेलो, अब पता नहीं भाई अब आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं, मेरी कितनी है स्पीकर्स में दिखाओ। अरे डबल आवाज पता लग गई भाई मेरे को, लेकिन अब एक्चुअली में क्या हो रहा है वो मुझे जानना है भाई सबसे बेस्ट, ठीक है। अरे डबल, हेलो हेलो, अब पता नहीं भाई अब आप लोग, ठीक है अब ठीक है भाई, अब ठीक है, पता नहीं अभी आवाज आ रही है कि नहीं, मेरी कितनी है मुझे कोई उनको मुझे अच्छे से ही देखना पड़ेगा, नहीं तो मैं भी इसलिए कुछ देर बोल नहीं रहा यहाँ पे, नहीं तो नवी बाइक ले सो तो लोग थोड़ा सा आवाज कम होगी तो ही पता लगेगा। कमेंटर अभी नॉर्मल हुई है आवाज, एक सेकंड भाई मैं खुद अपने आप ने से कंफर्म करूंगा, कमेंट सेक्शन में बहुत कंफ्यूजन है, खाली मेरे को प्ले हो जाए एक बार स्क्रीन पे कि चल जाए यार, मेरे को 15 सेकंड एडवर्टाइज दे रही है। अरे यार हो चल जा बेवकूफ यूट्यूब क्या चल रहा है ये अल्टीमेट प्रोटेक्शन, पता नहीं क्या चल रहा है इस गेम में, कमेंट सेक्शन में बहुत कंफ्यूजन है, चल रहा है भाई जिसको नहीं चल रहा उसका आवाज भाई वो तेज कर, वी आर रेडी टू प्ले, ठीक है भाई। तो इसके लिए मैं इसको रख दूंगा कंट्रोलर को, नहीं पहले प्ले कर लेते हैं। आवाज तो आ रही है ना क्योंकि भाई गेम चालू हो रही है, लो साउंड है भाई। भाई पापा, अरे मेरी आवाज कम आएगी, they come and go between the two worlds. My grandfather says they are like the magical coincidences in life. They are inspiration. And they only appear at special times. तो भाई मुझे नहीं मालूम कि ये क्या बला है, लेकिन एक छोटा सा लड़का भी यहाँ पे निकला हुआ है, अपने घर से निकला हुआ है, बट पता नहीं क्यों क्या करने पता नहीं। बहुत रात है चारों तरफ, Thank you.
ये रहा वो भाई कित कहीं जा रहा है भाई पर पता नहीं कहां पे. Favorite moment of the day. I have a whole world to myself. Oh, ये क्या कर रहा है? अच्छा बजा. मुझे लगा ठीक है दिन हो गया. Unfortunately, life isn't always that peaceful. Meet my sister, Azul. ये उसकी सिस्टर, छोटी सिस्टर. She gets, well, annoying. बॉल कहाँ गई? Look at her, always so intense, so dramatic. I wish she could relax a bit more. रो के चल चली गई. She makes me really upset. But deep down, I know she has her own world. वो अपनी दुनिया में रहती है. It's quite different from mine. आप कुछ भी नहीं छू सकते ये मैं बता दूं आप लोगों को. कुछ हो रहा है. ये कहां जा रहे? अच्छा ट्री के ऊपर. ये कहां गई? कुछ था. अबे ये कहां चली गई? That day, when she was playing, her shadow came. It was looking just like her. And it took उसके जैसा ही शैडो है. To the other side. कहाँ गई भाई? जो सिस्टर थी एक छोटी वाली, पता नहीं कहाँ गई भाई. अच्छा ये कहाँ गए? थोड़ा सा इसको is the center में करता. My grandma doing everything and nothing at the same time.
ये इनकी दादी हैं really understands me. सब कुछ करती हैं इन दोनों के लिए. Only my grandfather, maybe, but he lives too far away. That day, I was in a particularly bad mood. इनकी सिस्टर गायब हो गई है, पता नहीं पता लगा कि भी नहीं इनको. टीचर से कह रहे हैं कि मैं डर गया और फिर बजाने लगा. फिर मुझे कुछ करना है क्या यहाँ? नहीं 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 अभी नहीं. ये वो चिड़िया आई वाली, ये देखो ये रही, एक और आई. ये सब इसके गाने को सुन के लगता है इनको पसंद है इनका. अरे और भी आ रही है. और ये कुछ हो गया है. लास्ट टाइम जब ये सीन आया था तो मेरे को वो गाने बजाने पड़े थे. इस बार भी लगता है ऐसा ही कुछ है. कुछ करना है मुझे अभी तो नहीं. ए, इसकी सिस्टर वो नहीं. म्यूजिक ऑफन टेक्स मी. अब मुझे करना चाहिए वो. ओ ये देखो, ये कुछ अलग है. मैं ऐसे देख रहा हूँ ना. ओ ये देखो, अरे कहाँ गया वो बर्ड? बन गई. क्या था ये? ये और लोगों से मिल रहा है. और लिफ्ट पता नहीं कहां से कनेक्ट है पर जा जरूर रही है कहीं ना कहीं. और मैं बता दूं यहां पीछे भी अच्छा हाँ, ये वायर से कनेक्टेड है. ओके वो उस जगह पे जा रहे हैं वो टावर के पास, वॉच टावर के पास. ये रहे. कुछ अजीब सा हुआ था, मैंने अपनी पावर ऑफ्स यूज की थी और फिर उसने वो दूसरी दुनिया में रहने वाली जो उसकी सिस्टर थी ना वो बर्ड बन के आ गई. पता नहीं कैसे. बारिश हो रही है भाई. वीआर का यही तो मजा है. देखो कहाँ गया वो. अबे ये पीछे कहाँ आ गया अंकल? He's a busy old man, the most respected musician in my town. He says that for him, me and my sister are the most important things in his life. दो दो बार क्यों बोल रही है? I don't have a mum or a dad, but he is very important to me. मुझे खाली दो सुनाई दे रहा है कि कमेंटर लैग हो रहा है. अरे यार, यार अभी तो कहानी बिल्डअप हो रही है. ये देखो कोई आया है. ए, ये तो वो आया, वही वही लड़का आया, वो भाई आया उसका. ये देखो अरे ये दादा है? ग्रैंडपा. Hazel was there. She sent me a book. It's shining. I don't know what to do. She's been missing. Yes. When he saw the book. Oh, you're gone. One second. Something. You're gone, right? Changed. Ooh. Grandpa, wait. You're gone. Oh, what are you doing? This bird, this one. गेट ओपन कर रही है कहीं का. मैं कहाँ चला गया? अच्छा मैं यहाँ पे हूँ. Everybody has secrets. I just never knew my grandfather had so many. अब ठीक हो गया है भाई. हाँ थैंक यू भाई. मैं बता दूँ सिर्फ 20-10 मिनट का ही बाकी होगा. ये वो कितने सारे लोगों को कैद किया है. अच्छा ये सब दूसरे बच्चे हैं.
लैवेंडर जैसा होता है ना, तो ऊपर वाला बॉर्डर नहीं पानी का बॉर्डर है ये, और बहुत सारी उसके अंदर चीजें जा रही है उसके अंदर, इसको जा सकते हैं हम लोग क्या? अरे वो कहाँ गया, कहाँ गया? ये कुछ हो रहा है पता नहीं क्या, ब्लू कलर के स्टार्स आ गए बहुत सारे। ये वही है कि उसकी बहन? नहीं वही है, वही है, वही है, वही है भाई। बहुत सारे बच्चों को छोटे से बर्ड्स में कैद कर लिया था दूसरी दुनिया में, पता नहीं ऐसा ही कुछ है। The home of all the great musicians from the past. अच्छा ये कह रहा है कि पुराने जितने भी म्यूजिशियंस हुए ना, ये उनके राइम्स हैं। One day it will be my home too. वो ये कोई पावर है मेरे पास, ओ उसको ले रहा हूं अपने पास। अभी जैसे मेरे हाथों में आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है इससे। ओए वो क्या आ गया? My grandfather's darkest secret was exposed. कह रहा है कि उसके ग्रैंडपा का कोई डार्केस्ट सीक्रेट? Cannot be stolen. Paper birds cannot. वो क्या रह लेगी? मेरा रोल क्या है? गिर गया सब, पानी की बूंद जैसा, बट नीचे तो कुछ है ही नहीं, ये तो खाली काली जगह पे बारिश हो रही है। क्या हुआ अभी, क्या हुआ? अच्छा आया है, वापस है। It all started long before you were born. अच्छा वो बता रहे हैं क्या है कहानी? ओके ये उनके दादा हैं जब यंग थे। I was waiting for her at the door of the club. इंतजार कर रहे हैं। When I realized, I had been asking myself the same question for a long time. मैं क्लोज जा सकता हूँ? What am I doing here? ये टैक्सी आई, लिखा भी है यहाँ पे टी। ए कोई बैठा है उसमें? ये कौन है? काफी यंग है यार। Thank you. ये क्या कर रहे हैं? दादा तो मूवी देखने गए, दादी नहीं लग रही है अभी। ये क्या? अच्छा ठीक है, ये कहाँ ले जा रहे हैं भाई? ग्राफिक्स बहुत अच्छे बनाए हैं, मतलब इस तो पुराने समय की जो फील थी ना, पूरा लेके बनाया है। एक एक चीज देखो, बोतल, लैंप, लोग, फैन है वो भी बंद है, पोस्टर्स लगे हुए हैं पूरे में, वहाँ पे म्यूजिक शो चल रहा है। यहाँ पे ये कोई, ये क्या हो रहा है? अच्छा वो गिर भी रहा। ओ, वो कौन आया उतना बड़े शोल्डर वाला? आपको दिखाता
कंफ्यूज हो जा रहा हूँ. I needed the birds so badly that something got lost in me. अच्छा उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि उनके अंदर जो सारी इच्छाएं थी ना, hoping their light would enlighten me, but the darkness found me instead. Oh, इनके सपने जो थे शायद वो पिंजरे में इन्होंने बांध दिए क्या? ऐसा कोई कहते हैं ना कि संकेत दिया है मतलब स्टोरी ने. और यहाँ पर वही हमारा मेन कैरेक्टर जो है छोटा वाला, वो पता नहीं कहाँ जा रहा है अब. I saw the invisible with my eyes shut. इधर क्या है? There I found. ओ ये कौन है? My own shadow. अच्छा इसका खुद का शैडो. My own ghost. ये भी कैद हो गया क्या? कुछ तो हुआ है. फिर मेरे पास पावर आई. ओ ये क्या है? ओ ये देखो. अच्छा मुझे ढूंढना है क्या? कुछ तो मिल जा. ठीक है भाई, मेरे हाथ में से टॉर्च निकल रहा है. तो एग्जैक्टली इसका क्या यूज है मुझे भी नहीं पता. लास्ट टाइम तो मैंने ऐसा तुक्का करके. वो ये क्या चीज है? बट वो नहीं दिख रहा मुझे जो मुझे जिसको मैं ढूंढ रहा हूं. ट्रीज फील योर प्रेजेंस. अच्छा मेरी मेरी प्रेजेंस को फील कर रहे हैं ये ट्री. They और कुछ कोई आ रहा है शायद. मुझे फुटस्टेप्स आए. अभी वो नहीं काम कर रहा वो हाथ वाला. ये रहा, ये कौन है? वही भाई बहन दोनों. I didn't know I loved her that much. और ये ब्लैक शैडो उनके दादा को खा भी पड़ गया था. And the balance between our worlds and the invisible was falling apart. दादी उनकी ये नाव में कहाँ, ये कहाँ पहुँच गया भाई, कहाँ पहुँच गई? बारिश तो बहुत जबरदस्त हो रही है यार. और लोग भी डर रहे हैं. अरे तो भाई अंदर जाओ ना. ये क्या कर रहे हैं? किसको बुला रहे हैं? कोई आ रहा है क्या? ओ इतनी बड़ी नाव. अरे वो गिर गया कोई. अरे दादी भी बच गई. छोटी नाव में बैठ गई. मुझे लगा बड़ी में बैठेगी. ये तो निकल गई गई लेके. अबे कहाँ गई? जा रही है गई पता नहीं कहाँ. होने वाला है. ओ ये कहाँ गया? कोई वो लेके. अरे व्हाट, आई एम अ ड्रीमर. इनकी दादी ने ये क्या किया? ही वाज नेवर गोइंग टू लेट गो ऑफ देम. दैट ही वाज नेवर गोइंग टू बी हैप्पी. आई नेवर वांटेड टू सी द डार्कनेस एवर अगेन. मुझे समझ नहीं आया कि दादी ने ये क्या किया. उनको आजाद करना था तो पिंजरे से निकालना था ना. ये क्या हो रहा है? अच्छा हाँ आजाद तो हो गई. और वो देखो वो जो ब्लैक राक्षस था ना, जो निराशा थी लाइफ की, उसको शायद ही खा जाएंगे. फिर से वो ट्री. वो रहा वो रहा वो रहा वो जो ब्लू राक्षस था. और ये दोनों भाई बहन यहाँ है. ये रहे. This thing was empty inside.
there was a void. वो ढूंढ रहा है. Sucking up all the light for itself. भागे. फिर ढूंढ लिया. ये तो दादा बन गए. वो क्या लेके आया? कुछ लेके आया वो. अच्छा वो चिड़िया. ये क्या हो गया? इसको क्या हो? ये क्या हुआ भाई? अच्छा वो वहां से कुछ स्टोरी पॉज हो गई थी. ठीक है ये वापस से वहीं से आई है. अभी और ड्रामा होना बाकी लग रहा है. This thing was empty inside. It was a void, sucking up all the light for itself. वो चिल्लाएगी कुछ अब इसकी बहन. इसके सिस्टर को देखना, जो उसके भाई को रोक रही है. इसको भाई है. हाँ. In the dark. I was so happy to see him. अरे इतने सारे स्टार्स और उनके. ये क्या आया? फिर कुछ आइए था वो. ये मुझे इसको डायरेक्शन देना है. इट्स माय कंपोजिशन. इट्स माय मास्टरपीस. अरे इट्स आल्सो योर्स. यू वर माय इंस्पिरेशन. भाई ये मेरा हाथ देखो. और ये start to create something. Yeah, yeah. उम्मीद करता हूँ यही करना हो मेरे को, नहीं तो अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो फिर गड़बड़ है. इसको पकड़ना है क्या? फिर आए. अच्छा मुझे इसको कलेक्ट करना है. अरे बाप रे भाई उतना लंबा तो हाथ भी नहीं है मेरा. इतने सारे आ गए. पावर तो भी नहीं है मेरे पास. There's a time for everything. Everything. When things start to make sense. Things don't belong to you anymore. मुझे ऐसा लग रहा है मार्वल मूवीज में जा चुका हूँ मैं. और टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ. एक 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 मल्टीवर्स से दूसरे मल्टीवर्स में जा रहा हूँ. I know. All of it is still here. और ये म्यूजिशियन बन गए जिनका सपना था.
Hey, honey. Mm-hmm. अच्छा, लाइफ ही चेंज हो गई. Hey. Hey, उस रात को उन्होंने वो म्यूजिक बनने का सपना नहीं देखा था. Oh, sorry. There you are. Listen, do you remember that? You remember that tune I used to play for you a lot, like back in your mother's? Yeah. I didn't know where to fit it in at the time. बाकी की दुनिया. Will you listen to something? सुबह हो गई फाइनली और पूरी दुनिया यहाँ पे दिख रही है मैप में. नहीं तो अभी तक. अच्छा आप लोग यहाँ पे हो. ये खत्म नहीं हुई स्टोरी. दो चार. अच्छा खत्म नहीं. प्लीज ऐसा मत करो. ऐसा नहीं होगा. इसको रिज्यूम कैसे करते हैं. हो गया. वो गलती से मेरे से हो गई थी. खत्म होने वाली है कहानी बट स्टोरी एंड भाई. यहाँ पे अभी एक्चुअली में सपनों को ही जीने की बात थी गेम की. ग्राफिक्स बहुत अलग थे भाई इस गेम के. मैं बता दूं ये $10 का गेम था. नहीं $6 का मतलब 6-8-8 अंडर 500 रुपीज समझो. तो 500 रुपीज में ये लगभग 30 मिनट्स की एक मूवी थी VR में. ये पूरा जो एंड क्रेडिट आ रहा है ना वो है. मुझे तो भाई यही लगा कि ये स्टोरी जो थी ना ये अपने सपने जीने के के बारे में थी. बाकी बहुत सारे डायलॉग. पहली बार लाइव स्ट्रीम किया VR का इसलिए थोड़ा सा साउंड का इश्यू था. ये देखो ये उनका यंग टाइम. दादा और दादी का ग्रैंडपा और ये भाई इन्होंने बनाया था श्रीडार ऑक्यूलस और बाओबैब. और इसका नाम था पेपर बर्ड्स. दिस इज अ 30-मिनट स्टोरी. तो ये आ गई भाई हमारी गेम एंड. एक्चुअली एंड हो चुकी है. फिर से ये स्टार्ट स्क्रीन आ चुकी है. तो मैं अब ईयरफोन जो अब ये जो अरे क्वेस्ट 2 है ना निकाल रहा हूँ. कमेंट आ रहा है सैड स्टोरी थी. भाई मुझे नहीं लग रहा सैड स्टोरी थी. ठीक है मैं पेपर कट्स स्टोरी मैं कहाँ चला गया हूँ. स्टोरी एक्सप्लेन. ठीक है मैं वो चेंज कर रहा हूँ. मैं इसको क्वेस्ट 2 को निकाल रहा हूँ. स्क्रीन चेंज अब मैं बंद कर रहा हूँ इसको. तो जिन लोगों को पता नहीं है कैसे क्या होता है. देखो भाई ये क्विट कर दिया मैंने. पता नहीं अभी की स्क्रीन आ रही है कि नहीं. अच्छा हाँ तो रही है. तो भाई यहाँ पर ऐसा VR का स्क्रीन होता है जैसा आपका एंड्रॉयड गेम का होता है ना. वैसे ये मेरा VR का मेन स्क्रीन है. यहाँ से गेम इंस्टॉल होती है यहीं से प्ले होती है. तो ये सब गेम्स जो है ना इस स्क्रीन से चलती हैं. ठीक है भाई मैं इसको एंड कर रहा हूँ स्विच ऑफ करके क्योंकि बैटरी भी गई है. अपडेट बिफोर पावरिंग ऑफ. ठीक है ये नया फीचर आया है कुछ.
हेलो 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 माइक चेक, सॉरी गाइस, शाउट आउट इज बिगिंस। ऑलरेडी जिन लोगों ने कमेंट कर दिया वो तो हो ही गया, माइक ऑफ है। अरे हाँ यार, एक्चुअली बोला माइक था ना, इसलिए सब दिक्कत हुई थी। क्वेस्ट 2 बंद हो गया तो वो मैं उसमें से बोल रहा था, उसकी आवाज इसमें आ रही थी। अब माइक वो बंद हो गया तो ये भी बंद हो गया, तो ऐसा कुछ हाल है यहाँ पे। ठीक है भाई, कमेंट सेक्शन उठा लेते हैं फटाफट। पहले हम लोग सबसे पहले तो भाई T4C का शुक्रिया एज अ मेंबर ज्वाइन होने के लिए, तो थैंक यू T4C मेंबरशिप लेने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे आदित्य शर्मा, जगजीत मान, अंकुर कोठारी, अभिषेक। अभी तो मैं ये लाइव स्ट्रीम बंद करने के बाद मैं फिर देखूंगा लाइव स्ट्रीम की कैसे दिखी है, मुझे अभी नहीं पता। टंपा घोष, अरे अभी तो आ रही ना आवाज, अंकुर कोठारी, अभिषेक, जगजीत मान, हाल फिलहाल तो इतने ही लोग हैं। ठीक है भाई, थैंक यू भाई। एक्चुअली इस गेम का है ना पेपर कट्स का जो नाम है ना, पेपर कट्स ही नाम था क्या था भाई, मैं खुद कंफ्यूज हो गया ऐसा लग रहा है। पेपर कट्स नाम था कि पेपर बर्ड नाम था, पेपर बर्ड्स था यार, आप लोग भी बोल नहीं रहे तब से मुझे यार। वही बोलूँ कुछ तो गड़बड़ हो रही, पेपर कट्स नहीं था शायद, पता नहीं। हाँ पेपर बर्ड्स 1 और 2 द रिव्यू था भाई, उसकी स्टोरी क्या थी वो अभी गूगल पे मैं थोड़ा देख रहा हूँ, बट मुझे अभी देखना पड़ेगा अच्छे से कि क्या था कैसा था। हाँ इसकी जो वॉइस ओवर की थी ना ये भाई हॉलीवुड के एक्टर्स ने की थी, इसलिए इस गेम का इस बजट काफी तगड़ा वाला था भाई। यहाँ पे पेपर बर्ड्स नाम था, हाँ भाई कट्स नहीं था। मैं पेपर कट्स लिख रहा हूँ। और आपको ये गेम स्टीम पे भी मिल जाएगा, स्टीम पर से भी आप बाय कर सकते हो, बट हाँ उसके लिए आपको हेडसेट चाहिए होगा VR का, अगर वो नहीं है तो फिर बेकार है, इसलिए मत बाय करना अगर आपके पास मतलब हेडसेट ना हो तो। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं भाई, कल कैसे आएगा लाइव स्ट्रीम मुझे भी नहीं पता बिल्कुल भी। थोड़ी देर समझ के रुक के मैं करूंगा लाइव स्ट्रीम, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू भाई सभी का जो लोग लाइव स्ट्रीम में रहे अंत तक, जिनके भी नाम मैंने लिए उन सबका शुक्रिया। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी एक डबल एनर्जी के साथ और एक बेहतर गेम प्ले के साथ। ऐसे तो आज का भी अच्छा ही था बट सब गड़बड़ हो गया भाई। मिलते हैं भाई, टेक केयर, गुड डे, गुड डे, गुड डे, गुड डे, गुड डे।